पूरी दारू पींदी बाली तो लाल टॉप पाली किते होना जावे टल्ली में तो जानी ना सवाली में डांस करेंगी नैना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 महीने पहले वीडियो डाली थी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तब मैंने इरादा किया था कि मैं व्लॉगिंग करूँगा, लेकिन व्लॉगिंग ने मुझे कर दी। मैं व्लॉगिंग नहीं कर सका भाई, देखो पेट्रोल इतना महंगा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, रोकड़ा है नहीं। इज्जत रखी मेरे मौला, बंदे बंदे दे पैसे देने, गरीब बंदे हैं। ठीक है ठीक है, महंगाई बहुत हो गई है। मैंने सोचा क्यों ना यार, इधर टेबल कुर्सी पड़ी है, खुद ही बैठ के ऐसे चौंचले मारते रहते हैं, माहौल करते हैं, आवाम को एंजॉय करवाते हैं। देखो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे दोस्त जो ये वीडियो देखेंगे वो कैसा रिएक्ट करेंगे। चलो मेरे लौड़े थे, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, हम स्टार्स हैं, शुगल वाले बंदे। हमने हम स्कूल में गए, हमने उधर शुगल किया, पढ़े नहीं, मेहनत नहीं की, आज जलील हो रहे हैं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, वह मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों ना डील करना होता। कॉलेज में मेरे कुछ अजीज आने मन दोस्त जो हैं वो आज मेरे साथ ही माशाल्लाह से बैठे होते हैं साथ, और फ्यूचर की प्लानिंग हो रही होती है। तो यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी गया तो पहले दिन जब मैं गया मैंने इरादा किया कि भाई उस्मान तूने जो है ना पढ़ना लिखना इस तरह की मेहनत इस तरह करनी है, तूने तो मिनिस्टर हर दिन एक सेमेस्टर में चार चार रजिस्टर, और यकीन नहीं करेंगे कि एक सेमेस्टर के दो डेढ़ सेमेस्टर वन एंड हाफ सेमेस्टर में मैंने सिर्फ उस रजिस्टर के 3 या 4 पेज लिखे थे बस। घर से लेक्चर लेने जाओ, उधर जाके लेक्चर लेक्चर क्या लें, अबे यार मास्टर उधर खड़ा बस वो प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा है, अब हमको क्या पता C++ क्या हो गए, हमें तो नहीं पता। मैं माता जो इसमें आया वो जावा पढ़ाएं, जावा स्क्रिप्ट पढ़ाएं, नहीं भाई जो लैब थी वो भी किसी से देख के मैंने की, मुझे कुछ नहीं आता यार। ये मेरे घर वालों को वीडियो ना दिखा देना मेरे दोस्तों। देखो यार, व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, फिलहाल मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, इस तरह ही मैं जैसे वो न्यूट्रल्स ने इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, आज इलेक्शन कल इलेक्शन, मैं वो बात नहीं करूँगा। इंशाल्लाह व्लॉग्स आएंगे, अभी कुछ वीडियोस जो हैं वो इस तरह ही बनाएंगे। गर्मी है भाई, बाहर नहीं जाना, मम्मा कहती हैं काले हो जाओगे। फिर फायदा नहीं, घर वाले डांटते हैं, फिर आपकी भाभी भी तो नाराज हो जाती है ना। वो अलग बात है कि है नहीं, अल्लाह ताला देगा, वही नहीं। दुआ करिएगा मेरे लिए, और गली के बच्चे भी बाहर खड़े देख रहे हैं कि वीडियो बना रहा हूँ, अब उनको इधर मैं बुला नहीं सकता, फिर आपने कहना है आपके तो गली के बच्चे ही बड़े बदतमीज हैं। हरकतें करते हैं अजीब अजीब सी, यहाँ बहुत मॉडर्न टाइप लोग हैं यार, पाकिस्तान में जो है ना किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम देखें मेरे जैसा फारिग आदमी जो बैठा हो वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे, कभी किसी ने मेरे दोस्तों ने भी नहीं सोचा हो। अब मेरे चंद दोस्त नीचे कमेंट सेक्शन में भरमार कर देंगे, और यार एक और बात है यार, मेरी बात सुनो, देखो मेरे जो मेरे चाहने वाले मेरी वीडियो देखेंगे यार, वहाँ पर मेरा ना उल्टा नाम ले लेना, इज्जत होती है बंदे की। वो एक मेरे उस्ताद मोहतरम, उनको मैं दिल से एहतराम करता हूँ, उन्होंने एक बार मुझे एक मखसूस लफ्ज से बुला लिया था, मैं नहीं बताऊंगा, और उसके बाद से मुझे उस मखसूस लफ्ज से ही जाना जाता है, कोई मेरा सीधा नाम नहीं लेता। बस कर कांटू, अफसोस है यार। उस सर से मैं मिला था, उस
उस्ताद मुहतरम दिल के बहुत करीब हैं, तो वो कहते हैं कि यार उस्मान तेरे बाद मैंने आज तक किसी का नाम नहीं रखा, गलती हो गई थी। और बाकी वो सर से गलती हुई थी कि सर ने अचानक से सर के मुंह से निकल गया और मेरे अजीजाने मन दोस्तों ने उसको ऐसा पकड़ा के पूरे कॉलेज में और पता नहीं किधर किधर। हमको तो समझना है भाई, देखो यार ब्लॉग आएंगे फिर से कह रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन रुक के आएंगे, अभी गर्मी है, मौसम कुछ ठंडा हो जाए। अभी कंटेंट भी नहीं है मेरे पास, कोई इसमें वो नहीं है कि यार मैं क्या वीडियो बनाई जा रहा हूँ। शुगल मेला होता है यार, शुगल करना है हमने, और क्या बताना था यार। हाँ यार, पेट्रोल की प्राइस देखी है ना आपने, 235 मिल रही है इधर मेरे शहर में, 2 रुपये ज़्यादा देते हैं, कमाते हैं ना, ईमानदारों का शहर है। तो भैया जी जितना हो सके दूसरों की मदद करें, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं बाहर शहर, तो अगर कोई आपसे लिफ्ट नहीं मांग रहा तो आप उसको लिफ्ट दें, हालात को देखते हुए, वक्त को देखते हुए, क्योंकि आजकल हालात नहीं है बिल्कुल भी। कुछ लोग होते हैं कि लिफ्ट का जो है वो गलत फ़ायदा उठाते हैं और वो लूट लेते हैं मेरे जैसे लोगों को। मैं बंजाल में जा रहा हूँ, ये क्या करें। ठीक है, तो कोई बुजुर्ग खड़े हों तो उनको भी लिफ्ट दे दिया करें यार। वो आपको कुछ नहीं देंगे, वो इतना करेंगे, इसकी गारंटी है, वो सारा रास आप दुआएं देते जाएंगे। और आपको और नहीं पता कि वो दुआएं हमारे कितने काम आएंगे। ये मेरी सब दोस्तों से दरख्वास्त है, ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है नहीं लगी उससे यार कुछ नहीं होता। मेरे चंद ऐसे दोस्त हैं, वो आई लव देम, इंग्लिश भी नहीं आती मुझे, मैं उनसे, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं जो भी बनाऊंगा ना, उन्होंने कहना है उस्मान यार ओके 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 की रिपोर्ट है। तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होगा, ये नहीं कि मैं अभी यहाँ पे बैठा डकी भाई बन जाऊँ, नहीं भाई टाइम लगता है, ठीक है, अभी बोलने में भी थोड़ी हिचकिचाहट है। तो आहिस्ता आहिस्ता बनाऊँगा, तो आपसे अपनी कुछ दिन तो ये स्टोरी शेयर करूँगा ना, फिर उसके बाद जो है आपको अपना शहर दिखाऊँगा और अपनी डेली व्लॉगिंग जो है वो गाँव की। अभी तो इस वक्त मैं शहर में बैठा हूँ, पेट्रोल महंगा है यार, जाना पड़ता है 15-20 किलोमीटर है, और गर्मी जो है, तो अभी कल रात में सोया नहीं और मेरा जो है इस वक्त बहुत ही बुरा हाल हुआ बैठा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करने का नहीं भूलूँगा भाई, बेफिक्र हो जाओ, आपने वीडियो देखनी है बस, वीडियो पसंद आए या ना आए नीचे गालियाँ नहीं देनी, ठीक है, लाइक करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।